सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर मेकिंग दही बूंदी और सारी हमारी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ हो रखी है। तो हमने सोचा आज हम दही पूरी बनाने में जो मेहनत कर रहे हैं तो इस मेहनत को आप लोगों के साथ हम शेयर करें। तो छोटी सी कोशिश हमने पहली बार की है, चलो देखते हैं कैसी बनती है और कैसा स्वाद जो है। ये हमारे घर के बने हुए गोलगप्पे हैं जो मम्मी और पिंकी ने कल बनाए थे। यहाँ पे ये हरी चटनी रखी हुई है, यहाँ पे ये सेब हैं, ये भी घर के बने हुए हैं, और ये दही रखा हुआ है, और ये चाट मसाला है, और ये आलू और छोले मैश करके हैं, और यहाँ पे अनियन टमेटो और धनिया पत्ता है, और ये थोड़ी सी वो मीठी सी चटनी है। तो इन सब से हम अपनी दही पूरी बनाएंगे जो कि बहुत आसान है, और देखते हैं कैसी बनती है। ठीक है विनी, आप खाओगी, आपको पसंद है? चलो ठीक है, यू लाइक मिस्टर पोटैटो ना। ठीक है, अब हमने पोटैटो डाल दिया है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर्ड डालेंगे, है ना बिनी? उसके बाद हम इसमें हमारा क्या हुआ बिनी, अनियन डालेंगे थोड़ा, क्या हुआ बिनी? थोड़े से टमाटर डालेंगे, अरे टमाटर की जगह इससे नहीं डाल दिया बिनी। थोड़े से इसमें हम सेब डालेंगे, सेब अभी तो हमने इसमें चटनी में डाल दी है। अंदर चले, और इसमें हम चटनी क्या डाले, चटनी डाल देते हैं, दही तो फिर दही डालने पहले दोबारा फिर ऊपर से चटनी डाल दें। नहीं, एक बार दही हो तो है नहीं, और डालेगा ना दही तो सूखे सूखे से लगेंगे ना, मज़ा नहीं आएगा। और मैं इसमें अपनी थोड़ी सी थोड़ी डालना चाहिए, नहीं तो बहुत अजीब लगने लगेंगे। ऐसी ऐसी डाल दे, हाँ बस चटनी डाल रहे हैं, बस बस ये वाली चटनी हो गई भी नहीं। इसके बाद हम इसमें हरी चटनी डालेंगे, चटनी है ना, लेकिन ये धनिया पता नहीं कैसा सा था, अजीब सा। थोड़ा थोड़ा इसमें और हम ऊपर से दही डालेंगे, लाल मिर्च रख देंगे जो कि तीखी है, थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर जो कि होममेड है, बस करो बस करो। अब क्या रह गया, थोड़ा सा इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। चलिए घोड़ी चले चलने तो चलने सब तलने बैठ जाए। दही कितना डाल दें,
दही पूड़ी का मतलब, दही पूड़ी का मतलब क्या होता है? बहुत हो जाएगा फिर। नहीं होगा, अब बस थोड़ा सा इसमें हम धनिया डाल देंगे ऐसे ऐसे गार्निशिंग के लिए। और ये हमारी तो टुडे एज वी मेड दही पूड़ी, एज आई टोल्ड यू कि हम दही पूड़ी बना रहे हैं, तो बना भी ली और खा भी ली। और उसे खाने के बाद फिर मैंने खाना नहीं खाया, बिकॉज़ मैंने चार खा लिए थे तो फिर मेरा खाना खाने का मन नहीं हुआ इस वजह से। और ऑनेस्टली बताऊँ, मतलब देखो सबका अपना अपना चॉइस होता है, मतलब किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छे बने, हाँ बट ठीक ठाक बने थे, ओके ओके थे, मतलब मुझे तो ठीक लगे, खा लिए कि मतलब हाँ पेट को और जीभ को संतुष्टि मिल गई, तो खा लिए। और छत पे आई थी, वो चेयर पे कपड़े रखे हुए थे फैलाने के लिए, तो फिर मैं थोड़ा घूमने लग गई। और खेतों में लोग सफाई कर रहे हैं, पानी भरा हुआ है ना, ये जिनके खेत वेत होंगे तो कुछ काम कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है सच्ची में, एकदम बहुत ही अच्छा वाला मौसम है। मज़ा आता है ऐसे मौसम में तो कहीं घूमने जाओ, बट नहीं जा सकते ना, एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से फिर मन भी नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, मतलब अभी आपको ये देखो, ये यहाँ पे ये रेडनेस दिख रही होगी, मतलब ये रेड हो गया, ये रेड हो गया, ये आइस के पास रेड हो गया। तो मुझे जो है सिट्रिक एसिड वाली चीज़ों से एलर्जी है, और ऑब्वियसली दही पूड़ी खाई, दही खाया, खट्टी चीज़ खाई, तो उससे मुझे एलर्जी हो जाती है। कुछ भी मैं खट्टा खा लूँ तुरंत एकदम मतलब फास्ट रिजल्ट मिलता है, कुछ भी खट्टा मैं खा लूँ तो। यहाँ पे ये देखो ऐसा रेड सा हो गया, ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, तो यही है। बट उसके लिए मैं फिर दवाई ले लेती हूँ, सिट्राजिन मेरे पास रखी हुई है ऑल टाइम, मेरे पास वो सिट्राजिन का पत्ता रहता है तो वो मुझे बचा लेता है, तो वो मैंने खा ली। तो अब ये है ना कि ऐसे क्या होता है, मतलब अगर दवाई नहीं खा रहे हैं तो रेडनेस तो ये आएगी, और प्लस इचिंग भी होती रहेगी, ये लगता है इचिंग करते रहो बहुत तेज़ इचिंग होती है, तो दवाई खा लो ना तो ना इचिंग होती है, फिर ये जो रेडनेस वगैरह ये जो बढ़ती है ये बढ़ना भी मतलब कम हो जाती है। अभी यहाँ पे दिख रही है ना, तो ये कुछ अगर मैं दवाई नहीं खाती ना तो ये लिप्स पे भी आ जाती है, और लिप्स में जैसे सॉयलिंग आती है ना वैसे हो जाते हैं लिप्स। तो ये मेरे संग पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब मैंने टेस्ट करवाया था, पहले भी बता चुकी मैं अपने ब्लॉग में, तो भाई ब्लड में मतलब सिट्रिक एसिड की जो मात्रा थी वो थोड़ी ज़्यादा थी इस वजह से, तो सिट्रिक एसिड होने की वजह से और सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें ले लो तो फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से मुझे ये एलर्जी हो जाती है खट्टी चीज़ें खाने से। तो अभी मैं थोड़ा आपको अंधेरे में ले आई, मतलब मैं दिखाने के लिए ले आई, सो आप देख सकते हो, ये देखो अभी आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, ये पूरा रेड हो गया ये देखो। सो ये मुझे बहुत दिक्कत होती है, और यहाँ पे देखो सॉइलिंग सी हो रही है, तो बट हाँ इचिंग महसूस नहीं हो रही है, बट ये रेडनेस है ना, अब दवाई खा ली ना तो ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, बिकॉज विनी जो है वो मम्मा 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 करके बुला रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और चलो गेहूँ की सफाई दिखाते हैं। यहाँ पे दादी नानी नाती नातिन बहू सब मिलके गेहूँ साफ कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो दादी का जो नाती है वो गेहूँ साफ कर रहा है। क्यों सीनू, मज़ा आ रहा है? हाँ विनी भी कर रही है, ये देखिए। ओए खेल समझ रहा है, देखो 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 गेहूँ साफ कर रहे हैं सीनू। क्यों सीनू, सीनू हेल्प कर रहा है, हेल्प। सही है ना। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग? और शाम के बज रहे हैं 4:30, और मौसम जो है वो बहुत सुहाना हो गया है, और ब्लू है पानी, पानी खेतों में पानी भर गया है, ब्लू पानी नहीं है बट खेतों में पानी भर गया है, और हवा भी चल रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि गर्मी है बट हवा अच्छी चल रही है, तो हम थोड़ा मौसम का मज़ा लेने आ गए थे ऊपर, और कपड़े भी जो थे वो उठाने के लिए भी आए थे, सॉरी डालने के लिए आए थे, बिकॉज़ बारिश हो रही थी तो डाले नहीं थे, अब बंद हो गई तो डाल दिए, तो हमने सोचा थोड़ा सा ऐसे ही घूम लेते हैं और मज़ा ले लेते हैं यहाँ पे मौसम का,
ज़्यादा जो है बस छत से नज़ारा ही देखते हैं, या तो सामने गाड़ियाँ देखते रहते हैं हाईवे पे, या बस पीछे ये पेड़ पौधे देखते रहते हैं। यही है यहाँ पे ज़िंदगी में। और मेरा भी जाने का कंफर्म हो गया है कि मैं जा रही हूँ चेन्नई, तो कंफर्म है कि मैं जा रही हूँ फाइनली 4-4.5 महीने के बाद। और इससे पहले मैं एक ब्लॉग और डाल चुकी हूँ, वो आपने नहीं देखा है तो देख लेना, तीज का ब्लॉग था, तीज पे जो बायना थोड़ा सा पूजा था उसका ब्लॉग था, और ऐसा कुछ खास नहीं था। और टी शर्ट जो है वो मैंने उधार ले रखी है टी शर्ट जो है वो मेरे भाई की है। अब ऑब्वियसली थोड़ा कम हो गई हूँ तो कपड़े आने लगे हैं, तो उसके कपड़े मुझे, उसकी टी शर्ट मुझे आ जाती है, तो मैं उसकी टी शर्ट अब पहन लेती हूँ। पहले नहीं आती थी बट अब आ जाते हैं तो मैं पहन लेती हूँ, फ़ायदा हो गया मुझे अब, ठीक है ना, मेरे कपड़े भी बच जाया करेंगे देखो यार, मतलब वज़न कम करने का कितना फ़ायदा होता है। तो मैं, जो लोग भी मेरी तरह हट्टे कट्टे मोटे हो रखे हैं, उन लोगों से बोलूँगी कि थोड़ा आप लोग भी शुरू हो जाइए, वज़न कम कीजिए और बढ़िया दिखिए, अपने ही फ़ायदा है वज़न कम करने में वैसे तो, है ना। चलो अब चलते हैं नीचे, और विनी सब लोग सो रहे हैं, मैं बोर हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग ही कर लेते हैं, आप लोगों से थोड़ा सा मिल लेते हैं। और आज है सैटरडे संडे यहाँ पे लॉकडाउन रहता है। हेलीकॉप्टर जा रहा था, हेलीकॉप्टर जैसे अभी हेलीकॉप्टर गया ना, तो जो आर्मी वाले होते हैं ना, वो वाले हेलीकॉप्टर यहाँ पे मतलब घूमते रहते हैं, कुछ ट्रेनिंग वगैरह जैसे चलती है ना, तो वो घूमते रहते हैं। तो जब हम छोटे हुआ करते थे बचपन में, अब हेलीकॉप्टर निकलते हैं तो ऑब्वियसली उनकी आवाज़ होती है ना भू, अजीब सी मतलब वो आवाज़ होती है, तो वो आवाज़ सुन के ना मुझे डर लगता था। हालांकि मुझे आज भी वो आवाज़ सुन के बहुत अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों, बट मुझे बहुत अजीब सा, और छोटे में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, लेकिन एक एक्साइटमेंट भी रहता था कि हेलीकॉप्टर निकल रहा है बाहर। और जैसे ही आवाज़ आती थी ना, बाहर मतलब झांक के गेट से देखते थे, और वो भले बहुत ऊंचाई पे हो, उसे हम ऑब्वियसली नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको देख के बाय टाटा ये करना होता था, तो करते थे कि मतलब देखेंगे। कभी कभी तो बहुत नीचे से निकलते थे, कभी कभी बहुत ऊपर से, और ये अभी निकला है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं था। तो बचपन में हम ऐसा किया करते थे, और मेरी तरह और आई एम श्योर और भी लोग होंगे जिन्होंने बचपन में ये सब किया होगा कि हेलीकॉप्टर निकल रहा है या प्लेन निकल रहा है तो देख के बाय बाय कर रहे हैं। हालांकि सेम थिंग वो दोबारा से हम जी रहे हैं, क्योंकि जब विनी होती है ना, विनी अभी तो सोई हुई है, अगर वो छत पे होती और वो देखती तो वो भी बाय करना शुरू कर देती ऐसी चेन्नई में भी करती है। चेन्नई में तो मोस्टली प्लेन निकलते हैं ना, तो वहाँ देखेगी और उसको बड़ा मज़ा आएगा, मतलब रात में अगर देखेगी तो लाइट उसमें ब्लिंक होती है तो वो देखते उसे बहुत मज़ा आता है, दिन में देखती है तो वो बाय करने लगती है, और ज़रा सा इतना सा दिखता है लेकिन बाय करती है। तो ये सब हमारा बचपन था, अब हमारे बच्चों का ये सब बचपन है, काफ़ी मज़ा आता है। और बारिश से जो हैं सड़कें वो भीग गई हैं, बट अच्छा लग रहा है, व्यू जो है वो अच्छा लगता है ये सब। और मैं बता रही थी कि सैटरडे संडे यहाँ पे लॉकडाउन रहता है, तो सब कुछ बंद है, तो वही है सैटरडे संडे लॉकडाउन है, बट जो ढाबा है वो हाईवे के मोस्टली जो ढाबे हैं वो खुले रहते हैं, तो ये वाला जो ढाबा है वो भी खुला हुआ है। और अब हम चलते हैं नीचे,